गाइस यहाँ तक आए हैं तो यहाँ का पानी भी पी के जाएंगे, है ना। और बी बेयर ऑफ डॉग लिखा है और यहाँ पर लिखा है नो एंट्री, तो यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, तो सीधा मैं जाऊँगा यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर हॉस्टल टाइप का है जहाँ पर यहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पर रहते हैं, तो ऊपर आप देख सकते हैं पूरा लॉक है, तो यहाँ पर सिंगल सिंगल रूम में मॉन्क्स रहते हैं। अच्छा है और बहुत ही क्लीन साफ सुथरा है एरिया। यहाँ के एक मॉन्क ने मुझे यहाँ पर ऑफर किया है टी, तो मैं उनको मना नहीं करवाया, तो यस। लेकिन वो वीडियो में आना नहीं चाहते इसलिए मैं उनको वीडियो में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ उन्होंने ऑफर किया हुआ टी यहाँ पर टेस्ट करके जाऊँगा। गुड गाइस, और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा है कुछ, वाओ टीवी। डाली गुम्बा यहाँ फोटो रहे नहीं, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाली गुम्बा का फ्रेम है। दार्जिलिंग में सबसे बड़ा गुम्बा है ना डाली, तो यही वही ब्रांच का गुम्बा है। तो दार्जिलिंग में जो डाली गुम्बा है सबसे बड़ा वाला गुम्बा, जब जो मैं हमेशा वीडियो में दिखाता हूँ, तो उसी गुम्बा का ब्रांच है ये। तो यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं वो बड़ा वाला गुम्बा। वो यहाँ पर एक बिल्ली है क्यूट सा, और यहाँ पर पक रहा है चाय। ये से खाना बनाने भागो पानी पानी उमाले क्या गर्म पानी। ये कल काफ़ी अलग किस्म का चूल्हा है गाइस, बहुत ही बड़ा। तो यहाँ पर एक मेन पैसेज है जहाँ पर लकड़ियाँ डालते हैं, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई तीन मतलब होल है, यहाँ पर एक और दूसरा वहाँ पर, तो एक ही चूल्हा में तीन मतलब बड़ा बड़ा डिश पक सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ, तो यहाँ पर गैस भी है एक्चुअली, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर यहाँ पर ये चूल्हा में पकता है। तो हमारे यहाँ के जो मंक है आप देख सकते हैं पीछे, तो आपका नाम जिंगमी विंगडुप। जिंगमी विंगडुप, तो ओके। तो उन्होंने कहा था कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगा, तो कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैंने उनको मनाया, क्योंकि उनका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पर गुम्बा में रहते हैं, और स्पेशली आप लोगों ने देखा है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं बोल्ड हेड मतलब और पूरा क्लीन सेव होते हैं, लेकिन हमारे जो पीछे लामा, हम लोग लामाला बोलते हैं, लामाला है ना, तो लामाला का जो मतलब बियर्ड लंबा है, बाल भी लंबा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने 6.5 ईयर्स गुफा में रहे, मतलब यहाँ पर गुम्बा में ही है, तो गुफा रहने का अलग ही स्थान होता है, तो वहाँ पर उन्होंने एक ही रूम में एक ही जगह में 6 साल बिताया है। गुम्बा में रिचुअल्स सीखने के लिए, तपस्या करने के लिए उन्होंने 6 साल मतलब 6 साल 6.5 ईयर्स उन्होंने बिताया। तो आप सोचिए कि मतलब 6 साल कितना होता है, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और इसीलिए इनका मतलब ये जो है ना लंबा लंबा दाढ़ी वाड़ी है इसीलिए है। और अभी हमें ऑफर कर रहे हैं टी, तो लेट्स मतलब चाय वाय टेस्ट करके जाएंगे। तपाईँले नेपाली आउँछ नि मजाले, अरू टिबिटेनमा बोल्छ, टिबिटेनमा भन्छ नेपाली, टिबिटेनमा चाहिँ के भन्छ खेल्नमा खाने, यस्तो यस्तो चियाहरू बनिन्छ नि क्या, कमान बारी हुन्छ नि। थ्याङ्क यू, तपाईँ तो गाइज अमेजिंग फैक्ट मुझे अभी अभी पता चला है, तो जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ ये नेपाल का जगह है, और जो मैं गुम्बा में करने के लिए जो गेट से आया था ना, तो उससे बगल में पड़ता है इंडिया, और वो गेट के अंदर में है नेपाल। तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं अभी नेपाल में हूँ गाइज, तो ये गुम्बा है नेपाल के मतलब नेपाल के एरिया में पड़ता है, तो नेपाल का ही है गुम्बा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये बॉर्डर हुई है ना, तो चित्रे शायद नेपाल और इंडिया के बॉर्डर है। तो अभी मैं नेपाल में हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मैं इंडिया में जाके मैं सो जाऊँगा, तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ नेपाल में, बहुत ही टेस्टी चाय है आप देख सकते हैं। तो
यताको गेट भन्नु कुन चाहिँ गेट भन्नु यतापट्टिको तल गेटको माथि छ तो गाइस ये वाला गेट देख रहे हैं ना तो ये गेट से बाहर पूरा इंडिया और ये गेट से अंदर पड़ता है नेपाल तो गाइस आपने देखा कि यहाँ का हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अमेजिंग था एक्चुअली मैं ना डिटेल में वीडियो नहीं बनाने वाला था लेकिन जो मॉन्क थे ना उन्होंने बोला कि आप क्या करते वीडियो तो मैंने बोला कि मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अकेले घूमने के लिए आया हूँ तो उन्होंने बोला कि आइए बनाइए वीडियो खींचिए और जो फैक्ट्स मैंने बताया है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नेपाल का जगह है गाइस तो अभी मैं नेपाल में हूँ तो वाला गेट जो है ना उसके बगल में पड़ता है इंडिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो सुनादा वाला गुम्बा मैंने वीडियो बनाया था इट्स लाइक सेम टाइप ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं बस देखते हैं यहाँ पर पत्थर में कुछ लिखा भी है वाओ किसी गाइस और ये गाइस ये ओरिजिनल पत्थर में कार्विंग करके बनाया है यू कैन सी तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बोला है शायद देखेंगे हाँ गाइस तो ये वाला जो है ना ये बॉर्डर है ये जो सफेद वाला पत्थर है ना ये बॉर्डर है ये रिट्रीट सेंटर चित्रे नारप्पा रिट्रीट सेंटर गाइस आप देख सकते हैं ये है बॉर्डर तो एक छोटा सा पत्थर ही है बॉर्डर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर और इस साइड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेपाल तो यहाँ पर छोटा सा नेपाल लिखा हुआ था लेकिन अभी घिस घिस के मिट गया है और यहाँ पर लिखा है भारत वाओ और दिस इज द बॉर्डर गाइस अच्छा लगा गाइस ये सब एक्सप्लोर करके आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा शायद और स्पेशली वहाँ पर जो मॉन्क था वो बहुत ही हेल्पफुल था उन्होंने मुझे सुबह के लिए भी ऑफर किया कि सुबह आइए यहाँ पर खाना वाना खाइए और चाय वाय पिए और फिर आप जा सकते हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया तो सुबह देखते हैं मैं जाऊँगा शायद हाँ यहाँ पर स्टूपा तो गाइस अभी मुझे जाना है ऊपर टेंट के और अभी मुझे अपना घर जाना है गाइस अपना टेंट में मज़ा आ गया मज़ा ओह गाइस इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस और यहाँ पर काफ़ी दो तीन घर और भी है वहाँ पर भी जाने का मन कर रहा है लेकिन शायद जाऊँगा या नहीं यहाँ पर बहुत ही क्यूट सा कुत्ता है हेलो बड़ी कहाँ जा रहे हो तुम मुझे काटना मत हाँ मैं बहुत ही सीधा लड़का हूँ भाई काटना मत अच्छा हाँ तसी ले हवा खानु बस्नु भएको घाम ताप्यो तपाईँको भिडियो बनाउँदै आएको यहाँ बस्नु तपाईँसँग तपाईँको नाम के हो टिप्पा टिप्पा भुटिया लासो लासो म तामाङ ए अच्छा अच्छा यहाँ यसको फोटो कस्तो जाने कुकुर त्यहाँ हिँड्दैछ यस्तो देख्छ नि त यो तपाईँ घर हो यो हाम्रो घर हाम्रो कुकुर यतापट्टि यहाँ पर म चाहिँ मेरो नानीमाको याद आएर है मेरो बोजू पनि तपाईँ जस्तो छ नि त अनि भनेको लुङदार गाइस यहाँ पर है लुङदार बुद्धिस्टको प्लेयर फ्ल्याग गाई बहुत ही बडा गाई 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 अच्छा लाग्यो कहाँबाट आउनुभएको म दार्जिलिङ तो यहाँ पर दुकान तपाईँको दुकान हो नानीमाका दादीमाका यहाँ पर दुकान भी है बहुत ही अच्छा घर है एउटा फोटो खिच्छु है तपाईँको तो गाइस अभी अभी मैंने दादीमाका फोटो खिचाए यहाँ पर दिखाऊँगा मैं नीचे
राम्रो आयो अँ अच्छा लाग्यो दानिमाको बुढी टेक्टेछ कहाँ देख्छ यी लुङदारसँग लुङदार बुढी छ नि सतार पुग्यो यो ए आमामामा दामी आएछ दामी आएछ दुई खेप भयो त नि ए अम्बो हा तिनवटा चारवटा छ नि मजा आयो हुन्छ जानु पर्यो है बिहान आउँछु ल घुम्नु म उयै तम्बु लाएर बसेको ए त्यहाँ तम्बु लाग्छ नि मेरो हो त्यो मेरो घर एक्लै बस्ने हो ए फाजु आउँछ है आउँदैन आउँछ साँच्ची म चाहेको ए आउँदैन बाई बाई नानी मैं मुझसे मजाक कर रहे वो बोल रहे कि अकेले टेंट में मत रहो भालू आ जाएगा एक्चुअली आता तो नहीं मजाक कर रहा था दादी माँ अच्छा है गाइस हेलो अच्छा 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 पिटू 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 हो गाइस यहाँ पर लोग फुटबॉल खेल रहे बच्चे लोग मेरा टेंट वेंट को बिगाड़ नहीं दिया ना हाँ अच्छा ये सही सलामत है मेरा टेंट नेमार क्रिस्टियानो बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे गाइस अच्छा है नेमार हो क्रिस्टियन हो हाँ बो ला वाओ वाओ खाई कोस को टैलेंट दाई मेरे से लू देखा दियो टू थ्री फोर ए फोरमै गयो त उसले त दुई मात्रै होला एक दुई चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र पन्ध्र औ लु हेरौँ झुकाउँ गयो 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 हाँ जिक्मी नामगेल तिम्रो नाम दोर्जे तिम्रो नाम केलछाङ दोर्जे दोर्जे केलछाङ दोर्जे हाम्रो जो जो क्या गरे जो जो खै क्या हुआ आपका पेसेन्जर नहीं आया आएको छैन तो गाइज आज जो जो का पेसेन्जर नहीं आया सायद मेरो साथी टेन्टमा रहेंगे आज को कल गरे ट्रेकिङ ओ सायद वो लोग ट्रेकिङ में गए दूसरे रूट में आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम चित्रे बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया बाय गाइस सी यू गाइस यहाँ पर पक रहा है पास्ता आप देख सकते हैं और यहाँ पर ऐसा है।